दोस्तों कनाडा मूवी की लेटेस्ट रिलीज फिल्म कांतारा हिंदी में रिलीज हो चुकी है एंड व्हाट टू से अबाउट दिस फिल्म, अगर एक लाइन में बोलूं तो आई एम स्पीचलेस। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो आखिर कौन सी चीज है जो कांतारा को बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो इट्स लाइक बहुत साल पहले एक राजा होता है जो अपने घर की सुख शांति के लिए जंगल से एक पत्थर का टुकड़ा लाता है जिसे वहां के लोग पूजा करते थे एंड जिसके बदले में वो गांव वालों को आसपास की जंगल की जमीन दान में दे देता है। अब समय बीतता है एंड कहानी 1990 की दिखाई जाती है। अब राजा के फैमिली मेंबर्स गांव वालों से वो जमीन का टुकड़ा लेना चाहते हैं बट गांव वाले उन्हें राजा का किया हुआ वादा याद दिलाते हैं बट फिर भी राजा के फैमिली मेंबर्स की तरफ से अतिक्रमण किया जाता है। एंड फिल्म के क्लाइमेक्स में क्या गांव वालों को वो जमीन मिल पाता है और क्या जंगल के देवता उस गांव में रहने वालों की मदद करते हैं? फॉर दैट आई विल रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दिस मूवी इन योर नियरेस्ट थिएटर। टेक्निकली इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म। मैं बता नहीं सकता कि फिल्म का बीजीएम एंड सिनेमेटोग्राफी कितना अच्छा है एंड परफॉर्मेंस वाइज एवरीवन हैज डन देयर पार्ट वेल। बट इस फिल्म के मेन हाईलाइट है ऋषभ शेट्टी जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। उनके जितने भी एक्शन सीन्स हैं वो काफी रियल लगते हैं एंड क्लाइमेक्स में दिखाया गया उनका सीक्वेंस वो सो गुड कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म का स्टोरी बहुत रूटेड है जिसमें आपको इंडियन कल्चर से लेकर पुरानी मान्यताएं देखने को मिलेंगी। वहीं फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही फास्ट है जो आपको बांध के रखेगी। फिल्म का बीजीएम बहुत यूनिकली क्रिएटेड है जो माइथोलॉजिकल फील देती है। सो ओवरऑल इफ यू वांट टू वॉच अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा जिसमें आपको अपने कल्चर के बारे में जानने को मिले देन कांतारा इज वन फिल्म विच यू कांट मिस। वॉच कांतारा फॉर इट्स ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड आउटस्टैंडिंग म्यूजिक। That's it for today's video. Hope you like this review. Do like, share and subscribe my channel. See you soon.